और बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर से रूबरू दर्शकों को कराते हैं। लखनऊ से खबर, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी हो रही है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही शादियों के लिए भी गाइडलाइन है, शादी में अब 200 लोगों को ही अनुमति मिलेगी, प्रशासन से ये अनुमति लेनी होगी। तो जहां वायरस का संक्रमण अब बढ़ता नजर आ रहा है, इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू आज से उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है। तो जहां फेस्टिवल का सेलिब्रेशन का समय है, आज क्रिसमस है, क्रिसमस और न्यू ईयर पर लोग अमूमन ज्यादा गैदरिंग करते हैं, ज्यादा तादाद में इकट्ठा होते हैं, जगह जगह पर इवेंट्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, ऐसे में भीड़ से संक्रमण ज्यादा ना फैले, इस बाबत प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत आज रात 11 बजे से कल सुबह 12 बजे तक और टिल ये नए साल तक इसी तरह गाइडलाइन अभी तक जारी रहेगी। हालांकि अगले आदेश तक ये सभी नियम लागू रहने वाले हैं। तो आज से कर्फ्यू शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में, आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और इस दौरान अननेसेसरली यानी कि बिना किसी कारण के सड़कों पर निकलना, बाहर निकलना मनाही है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम जो होंगे शादी के, उस बाबत भी अब संख्या तय कर दी गई है, 200 लोग ही मात्र शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। तीसरी लहर की आहट, फरवरी में आएगी असली आफत। सावधान, वक्त है, संभल जाओ। दूसरी लहर में भारी पड़ी थी लापरवाही, क्या फिर होगी तबाही? पहली और दूसरी लहर का तांडव अगर लोग भूल गए हैं तो आज इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि देश में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसके लिए नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिम्मेदार होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो रिसर्चर और शोधकर्ता कह रहे हैं जो वक्त रहते संभल जाने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी में ये अनुमान जताया है। 3 फरवरी को कोरोना केस पीक पर होंगे, इस बात का खुलासा IIT कानपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम के नेतृत्व में अभी तक के मामलों की समीक्षा में किया गया है। अध्ययन में महामारी की पहली दो लहरों के डेटा का इस्तेमाल करके तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया गया है। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने, ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। शोधकर्ताओं की रिपोर्ट कहती है, दुनिया भर के ट्रेंड को देखते हुए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत में दिसंबर मध्य से तीसरी लहर का पूर्वानुमान करती है, जो कि फरवरी की शुरुआत में पीक पर होगी। रिसर्चर्स की टीम ने गॉजियन मिक्सचर्स मॉडल नाम के स्टैटिकल टूल का इस्तेमाल किया है। अब डर की बात यह है कि अगर कोरोना फरवरी में पीक पर होगा तो फरवरी में ही यूपी विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में हालत बिगड़ी तो कैसे संभलेगी, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 362 हो गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब दूसरी लहर की चेतावनी दी जा रही थी तब भी लोग ऐसे इसे हल्के में ले रहे थे, और फिर क्या हुआ सबने देखा। पूरी हेल्थ व्यवस्था चरमरा कर ढह गई, ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को तड़पते देखा। ऐसे में वो तस्वीर दोबारा ना देखनी पड़े,
इसलिए वक्त रहते संभलना होगा, क्योंकि इस बार अगर अनहोनी हुई तो अनर्थ हो जाएगा और फिर जो नुकसान होगा उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या वक्त रहते प्रशासन संभलेगा, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगे हैं, जबकि हम नाइट कर्फ्यू के कवच में ही खुद को महफूज समझ रहे हैं। जबकि सच ये है कि हर तरफ भीड़ लगी है, बाजारों में भीड़ है, मॉल में भीड़ है, रैलियों में भीड़ है। अब डर इस बात का है कि ये भीड़ देश की रीढ़ ना तोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सतर्क रहना बहुत